हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LCM के बारे में। जी हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, जी नहीं, मैं आज की वीडियो में आपको दो मेथड बनाऊंगा इसका प्रोग्राम बनाने के, जो बहुत ही ईजी मेथड है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, प्रोग्राम बनाने से पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि LCM होता क्या है। LCM को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हमारे पास दो नंबर हैं, दैट इज 10 एंड 20, तो इन दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? इन दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 20, क्योंकि 10 इंटू 2, जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 20 आता है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? वो हुआ 20। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड 20 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 20। सो 20 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। अगर हम नंबर इनपुट करते हैं सपोज 45 एंड 90, तो इन दोनों में से कौन सा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 90। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा हाईएस्ट नंबर होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है, या फिर उससे कोई बड़ा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है। वो कैसे? देखिए, 45 और 90, मिनिमम 90 का जो मल्टीपल होगा वो 90 इंटू 1 90 ही होगा, और 45 का जो मिनिमम मल्टीपल होगा वो 45 इंटू 1 45 ही होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं 45 इंटू 2 कर दूंगा तो 90 आ जाएगा। तो 90 90 दोनों कॉमन हो गए, तो सेम मल्टीपल हो गए, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। अब अगर हमारे पास दो नंबर है 2 एंड 3, तो अब 3 का जो लीस्ट मल्टीपल होगा वो 3 ही होगा, और 2 का जो लीस्ट मल्टीपल होगा वो 2 ही होगा, लेकिन 2 और 3 कॉमन नहीं है। इस केस में क्या था, हमारे 45 और 90 में से 90 हमारा हाईएस्ट नंबर था और यही कॉमन मल्टीपल था, लेकिन 2 और 3 में से हाईएस्ट नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 4। 4 2 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का नहीं है। 5 को देखेंगे, फिर 5 2 का भी मल्टीपल नहीं है, 3 का भी मल्टीपल नहीं है। फिर हम देखेंगे 6, तो 6 जो है वो 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल है, सो इट इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर हुआ या तो वो कॉमन मल्टीपल होगा या उससे ज्यादा का नंबर कॉमन मल्टीपल होगा। सो अब इस चीज का प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ही इजी है। हम दो तरीके से प्रोग्राम को बनाएंगे, एक होगा फॉर लूप से और एक होगा वाइल लूप से। तो देखते हैं, सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है LCM, मेन मेथड को डिफाइन किया है, स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। तो ये चीजें तो कॉमन है, हर प्रोग्राम में हम यही यूज करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें मैं स्टार्टिंग से नहीं, मेन कॉन्सेप्ट से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमने ए और बी में 2 नंबर्स को इनपुट करना है। आई हमारा लूप के लिए है, एस में हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। LCM को इनिशियलाइज 0 से कर रखा है और नम को इनिशियलाइज 0 से कर रखा है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो ए और बी में हमने दो नंबर को इनपुट कर दिया, तो सपोज एक में 2 कर दिया और एक में 3 कर दिया, तो यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, उसमें हम इफ स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए स्टोर हो जाएगा नम में, अगर a b से बड़ा नहीं है ये कंडीशन फॉल्स है तो b स्टोर हो जाएगा नम में। ओके, तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, सो b यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब b तो स्टोर हो गया, फॉर लूप में क्या है कि हमें एक लिमिट देनी पड़ेगी कि अगर हमारा नंबर हाईएस्ट वाला जो है वो अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है तो ये लूप कहां तक कैलकुलेट करेगा नंबर को। तो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन दो नंबर का प्रोडक्ट होगा जिनके बीच में हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एस में, नम में हमने हाईएस्ट नंबर को स्टोर कर लिया और एस में हमने
इन दो नंबर का प्रोडक्ट स्टोर कर लिया। तो i इक्वल्स टू नम, दैट इज ये हाईएस्ट नंबर से इनिशियलाइज्ड है और ये प्रोडक्ट तक की रेंज है इसकी i प्लस प्लस। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमनली डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर से। तो i की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज्ड है, तो i की वैल्यू जब 3 है तो i मॉड a इक्वल इक्वल 0, a में वैल्यू है 2, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन b डिवाइड हो जाएगा क्योंकि b में भी 3 है। बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 4 होगी, 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 5 होगी, 5 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है इसलिए फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 6 हो जाएगी, और ये लास्ट है क्योंकि यही हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एलसीएम में आई की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 6, और ये यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा लूप। अगर हमारी कंडीशन कुछ ऐसी होती कि हमारा लूप फर्दर भी एग्जीक्यूट कर सकता था, तो अगर हमें एक बार एलसीएम मिल जाता है तो फिर लूप फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जहाँ पे हम एलसीएम को प्रिंट कर देंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और यहाँ पर इनपुट करते हैं 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 जब हमने इनपुट किया तो एलसीएम आ गया 6। तो सेकेंड टाइप का प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम यहाँ तक सेम ही है जैसा हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम था। तो यहाँ पर हमने कुछ इंटीजर्स को डिफाइन किया है ए और बी नंबर्स के लिए। आई हमारा लूप के लिए, एलसीएम में हम एलसीएम को स्टोर करेंगे और नम हमारा ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। तो ए और बी में हमने नंबर इनपुट कर दिया, सपोज 2 एंड 3 को ही हमने यहाँ पर इनपुट किया। अब इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो नम में ग्रेटर नंबर स्टोर हो जाएगा, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और बी स्टोर हो जाएगा, तो बी में वैल्यू है 3, तो नम में वैल्यू आ गई 3। अब यहां पर हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाइल और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप में हमें एक पर्टिकुलर रेंज देनी पड़ती थी कि हमारे हाईएस्ट नंबर से अप टू कौन से नंबर तक हमारा नंबर एलसीएम मिलेगा, लेकिन व्हाइल लूप में हमें अपर रेंज देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारा हाईएस्ट नंबर एलसीएम नहीं है तो ये तब तक वर्क करेगा जब तक हमें एक कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता। तो देखते हैं, व्हाइल ट्रू कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। इफ इसमें अभी हाईएस्ट नंबर स्टोर्ड है दैट इज 3, तो 3 मॉड ए, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है लेकिन 3 3 से डिवाइड होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही हो जाएगी ओवरऑल क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अब यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और 4 हो जाएगी। व्हाइल कंडीशन अब भी ट्रू है, अब ये दोबारा चेक करेगा 4 डिवाइड हो रहा है या नहीं, 4 के लिए भी कंडीशन फॉल्स होगी। नम की वैल्यू इंक्रीज होगी 5 हो जाएगी, 5 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करता है। अब नम की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी 6 हो जाएगी, लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन हमेशा ट्रू ही है। इस टाइम इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और नम में वैल्यू है 6। अब एलसीएम में वैल्यू आ जाएगी 6 जो कि नम की होगी, और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब है ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। तो अब हमारा फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा, सेकंड नंबर प्रिंट होगा और एलसीएम प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों प्रोग्राम का। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब हम सेकंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोबारा नंबर इनपुट करते हैं 2 एंड 3। तो फर्स्ट नंबर 2 एंड सेकंड नंबर 3 और एलसीएम आ गया 6। किसी और नंबर के लिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, 48 एंड 72। 48 एंड 72 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 144 है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर हमारा 72 है लेकिन ये 144 पर जाके हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है। तो इसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा आप व्हाइल लूप का यूज कीजिए, बाकी दोनों प्रोग्राम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे और आपको सीखने को मिला होगा।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम के सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और एम करते हैं इस वीडियो के लिए 10 लाइक्स का। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।